Go. You see how it came? Yes, good. Come on, Eva. ऑप्शंस में जाके आईपीसीएल के जो मैच डाले हुए हैं इसके अंदर, ये प्रॉपर मैचेस हैं तुम्हारे? हाँ भाई, जो हुए थे। हाँ सबका टाइटल सेम है बहन से, मेरे को ये भी नहीं पता चल रहा कौन सा गेम है कौन सा नहीं, तो मैं देख ही लूँ। तू वो देख, एलएफसी मुंबई वाला मैच देख बैंचोद, मेरे को पता क्या चलेगा कौन सा एलएफसी मुंबई उसमें वाला। नाम रहता, नाम से सेव्ड है ऐसे। वो सागर के चैनल पे तो मेरे मैंने नहीं किए थे सारे स्ट्रीम, मेरा लैग होने लगा था ना स्ट्रीम करने की वजह से। तो सागर के पे शायद सागर ने किया था, टेलस्पिन ने भी किया है, यल्ला ने भी किया है। इसके में तो सबका नाम यूनाइटेड 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 है भाई। रिपब्लिक टीवी रिपब्लिक टीवी रिपब्लिक टीवी रिपब्लिक टीवी के नाम से होगा बहुत सा, सबका नाम रिपब्लिक टीवी है। एक का नाम है बस सागर वर्सेस अंकू, एक का नाम है रिपब्लिक टीवी वर्सेस शलोम। गिद्दा कर रहा है मेरा कैरेक्टर, वाइकिंग्स भी गिद्दा करते हैं। ओ यार दारू पी के बैठा है बहुत मस्त। ओए भाई ओए यार काफी दारू कितने पहले से है दुनिया में। हाँ कड़ा लाया वो सिगरेट, ये तो उसका भाई है। नहीं सिगरेट उसका बेटा है। तो नहीं नहीं सिगरेट तो वो था रागनर का बेटा था, तो रागनर के लिए लाया ना ये। ये कौन है बच्चा फिर? पता नहीं उसका नाम नहीं बताया अभी तक। ये मेरा कैरेक्टर बनेगा बड़ा होके बेसिकली। अरे वो तो मेरे को भी समझ आ गया भूसड़ी। वो मेरा प्लेयर गायब हो गया। ओहो यूबीसॉफ्ट थिंग्स। प्ले कर सकता हूँ कि नहीं बहन चो? एक तो यूबीसॉफ्ट वाले गेम कम बग ज्यादा बनाते हैं। ये देख गायब हो गया मेरा प्लेयर। अबे यार ये होराइजन जीरो डॉन वाली लड़की। ओ भाई तो औरतों से बढ़िया जूड़े तो लड़कों ने बना रखे हैं इसमें अभी। उस टाइम पे बनाते थे भाई लेजेंड। मॉर्निंग यंग आइवर 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 कौन है? रैंडम ही बना करेक्टर बनाया बनाया होगा इन्होंने। तो एसएसएस क्रीड तो हमेशा से ही रैंडम करेक्टर्स बनाता है ना।
मेन कैरेक्टर्स के अराउंड हाँ एक रैंडम हिस्टोरिकल कैरेक्टर वो होता लगा के, हाँ है हिस्टोरिकल वही फिगर्स को लगा लगा के। तभी वो गायब हो गई स्क्रीन। नहीं आ गई वापस। अब ये PS5 पे भी खेलेंगे यार, मजा आएगा उस पे 60 FPS पे। भाई मैथ्यू मैकोने अबे यार अबे यार गाना गा रहा है बढ़िया भाई, चो फील बढ़िया है। हेंचो इतने बड़े बच्चे को ऐसे हाथ में पकड़ रखा है जैसे खिलौना हो। साइज बड़ा होता था भाई इनका, इनसे सिलेंडर उठवाया करेंगे बहन चो। हैं बाप मर जाएगा हर असैसिन्स क्रीड की शुरुआत में, तो बाप ही मरता है सबसे पहले। वही बाप और माँ साथ दोनों मर जाएंगे, दोनों मरे हाँ तभी तो राजा राजा मरे। भी मर जाएगा। अरे ये क्यों खड़ा है यहाँ पे? जाके देखूं मना कर दीजिए तेरे को बाहर नहीं जाने की। बढ़िया ग्राफिकल फिडेलिटी बढ़िया है। इसकी माँ है ना ये? हाँ मरेगी इसकी आंखों के बचाते सामने बचाते मरेगी। हाँ ओ पैंचो लेके भाग दे। ओ पैंचो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाग भोसड़ी के। ओ हाँ ऐसे ही होगा, भगा दिया निकल यहाँ से। हिमागत लगेगा पीछे से अब खच निकल जल्दी। मैं उसको मारने जा, अरे उठाया नहीं जा रहा तो एकदम ही गोबर है भाई, गोबर एकदम गंदे हैं भाई वो। ओ बैंचोद किस्मत देख मैंने मारा भाई गोल। वो पेनल्टी नहीं था भाई, फ्री फ्री किल मिल गई फ्री। ओ बेस की मार दी। ओ बचा लिया भाई, बच गए। हां अरे तुम लोग शिट हाउस ही कर रहे थे, कौन कौन ही थे फिर भी पेनल्टी मिली और ड्रॉ हुआ। तेल से ने मजे ले लिए। अबे भाई पर खत्म है यार, मैं इस गाइस से तो नहीं जॉइन कर रहा, अभी ना बोल रहा हूं। ओ बहन चुत पकड़ लिया, वो आ रहा है उसका कमांडर मारेगा। अरे यार फाइट माय लव डू नॉट लिसन। क्या म्यूजिक है यार। राजा मर रहा है। हाँ राजा मर गया, गई माँ भी गई। बढ़िया स्टार्ट है। अरे यार माँ मर गई। ये बाप था ना उसका? हाँ बाप था।
बाप और माँ को मारते हैं मैं। ओ भाई ओ ओ ओ ओ ये बच्चा जिंदा कैसे है कोई बताओ मेरे को। उसको सर फट गया है भाई। ओ वो ईगल आ गया इसके लिए। ओ भाई वो बहन चोर। अबे यार आइस एज हो रही है। अबे यार घोड़ा। अबे यार हर गेम में घोड़ा मरा है भाई इस साल। हर गेम में लास्ट ऑफ अस में भी, गोस्ट ऑफ सुशीमा में भी, इसमें भी। वुल्फ इसका हाथ फाड़ देगा। मतलब वुल्फ मरने वाला है, कोई मारेगा वुल्फ को, इसको बचाएगा आगे। वुल्फ कंफ्यूज हो गया भाई। आ रेवेंस आए सही। ओडिन आ गया मतलब बच्चा नहीं मरेगा। ओ भाई देखो चूज करना पड़ेगा। फीमेल आइवर ऑफ कोर्स, लड़की बन के खेलना है भाई। बिकॉज गेम में न्यूडिटी का ऑप्शन था शुरू में, तो आई एम गेसिंग बबले देखने मिलेंगे। अरे बढ़िया यार, कौन सा गेम है ये? वल्हला बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ है यार, एकदम फील आ गई। वैसे तो मैं बैठ गया उठ के, नौकर क्यों निकला? वो काम था ना उसको, कुछ मीटिंग वीटिंग भी कर रहा था कुछ ऐसा। How long have you been chasing me, Wolfkister? 17 winters? 18? Why now haunt your dreams? Why warm your loins? You remember this? Oh, your father's axe. The weapon of a coward. नहीं स्ट्रीम कर रहा हूँ। Kill the rest of our crew! Make them suffer! Abel Wolfkist is no more! That name is dead to this world! You will be worth your weight in silver. To the ship! यही तो गड़बड़ कर देते हैं भाई ये विलन सारे। उसको इजीली मार देते हैं असैसिन्स क्रीड, अभी क्रेडिट्स रोल हो जाता। वो तो नहीं करना। ओडिन आया फिर से। हाँ भाई किंग्स आर बेसिकली मॉन्कीज, ट्रू। आ गया आदर्श। आ गया रणवीर। ओए होए घुटने पे मारी यार एक्स फक। और वो गुड़ लगा हुआ है उसके घुटने पे भाई। क्या म्यूजिक है यार। उसको फॉल गाइस खिला दिया इसने। यस एक्स टाइम। मैं बात कर रहे हैं।
हेल्थ नहीं है बिल्कुल भी। कितना सुंदर है भाई। तो तेरे को कहीं हेल्थ मिलनी होगी फिर आसपास घर के अंदर जाके देख। वही देख रहा हूँ मैं इसको, पर चढ़ के देखूँ चढ़ता है। ओ नाइस, ऐसे चढ़ के एक बार ऐसे सीन देखा। ओ ओ भाई साहब तो आगे को झुकी क्यों हुई है, इसकी कमर में दिक्कत है क्या? हाँ वो है ना, अभी इंजर्ड है ना, यूबीसॉफ्ट का यही तरीका है भाई बताने का कि इंजर्ड है लड़की। तो सबसे पहले जाना है भाई हमें सिंक्रोनाइज करने। न्यू टेरिटरी डिस्कवर्ड क्या बहन, तो यही तो जगह में से भागी, इसके माँ बाप मरे थे। अच्छा लेकिन गेम में तो नई टेरिटरी है भाई, यूबीसॉफ्ट की बातें हैं समझा कर। पहाड़ पे ऐसे चढ़ गया, पहले तो नहीं चढ़ता था। अरे अरे गेस बैक ताले, कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ। अबे ये इस पहाड़ पे चढ़ कैसे रही है भाई? व्हाट यार, ना मैं तो सुबह हाथों से कोड खेलता भाई। ना यार, भाई वर्टिकल चीज में सीधे पैर लेके चढ़ गई। अबे छोड़ उसको, वो जो भी करना कर, जो है भी। अबे क्यों क्यों भेज रहा है भाई? अबे आ तो जाए। तो हाँ, तो तब तक तो अबे जी यार नहीं यार, यार जी यार, तो एक्सबॉक्स भेज दे, पीएस रेंट दे। हाँ मर गया। यार यार कौन नहीं है आदमी, चला अबे अबे ये क्या किया तूने? चला मैंने जानबूझ के कूदने की कोशिश फुकाना क्या? करा कि फॉल डैमेज है कि नहीं है। फॉल डैमेज फॉल डैमेज तो हमेशा होता साले, फॉल नहीं होता, ओडिसी में नहीं था। डैमेज नहीं था थोड़ा ओडिसी कम में। है, इसलिए ओडिसी में नहीं, क्योंकि वो अच्छा था ना, है। ठीक डेमी गॉड था ना ओडिसी में। है, वो भी है। तो तेरे को क्या कमी है यार पैसे के, भिनचोद पागल। अबे क्या बोल रहा है ये, वही। अबे तो हॉस्पिटल है ना पूरा उधर, अबे स्टोर लेकिन डाइव स्टोर भी में नहीं मारी बैठाते तूने। सब। हाँ अब नहीं मारता क्या डाइव? नहीं, ये इसने अभी तक नहीं मारी असासिन्स। शायद मिला नहीं है ना अभी असासिन्स की ट्रेनिंग वगैरह कुछ, तो लीप ऑफ फेथ ऐसे थोड़ी ना ले ले गई। ओ बैनचोद कितना कूल है। अबे ये हर वीक बेंच नया गेम खेलता है, छोड़ मो, हाँ भाई कंप्लीट भी होता है गेम्स। हाँ, मेरा वॉच डॉग्स खत्म हो गया भाई। और बेंच इतना खेलता है भाई। सुरवे भाई हर रोज एस कॉम्बैट ही खेलता है, देख 10 बार कंप्लीट करता है एक गेम को। अबे अच्छी ची ची, इसके गांड बट के 4 हो गए ना इसीलिए। अरे कॉम्बैट तो बहुत बुरी है भाई, अरे वो शुरू में तो एकदम ही वो नहीं है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है अभी, एकदम ही जीरो लेवल पे है कैरेक्टर भाई। सैंस्क्रीट वाज डेड लॉन्ग टाइम अगो। ये अच्छा है क्या ये गेम? अल्लाह अबे यार चल बहन चल, सुरवे भी बोलता है एस कॉम्बैट 4 बेस्ट एस कॉम्बैट है दुनिया में। अच्छा हाँ भाई अबे तभी यार तो। अबे
ओ भाई रेवन इसकी विजन तो रीजन है कोई नहीं खेला फिर छोड़ घटिया क्या आ रही है मजा आ ओ भाई ये क्या उड़ रहे हैं ऊपर। अच्छा रेवन अच्छा अच्छा वेल्थ का क्या खेल है इसके अंदर, वेल्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ क्या क्योंकि है यार तभी तो इसको तुम क्या अपना देखने वो को। करोगे ना, क्रू के लिए सही करोगे सब। क्रू के लिए भी पहले तो तो अभी अपग्रेड्स खरीदना है। पहले क्रू को रिस्क्यू तो कर ले। ब्रो हाँ ब्रो रिस्क्यू जेसुस तो ने जब क्या करी गोल हो। मारा ब्रो कल टर्न करके, फक बढ़िया फिनिश था। ये तो बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या है? ओ मैंने तो चेस्ट अपने आप हिल रहा है। अरे उसने बोला भी, उसने बोला पता है कि सागर देख के मैं एक्साइटेड हो गया। ची ये कैसे और ये बोला एक्साइटेड एक्साइटेड लेग गोल मारा। मैं नहीं मारा गोल। अबे वो क्या, मैंने एक बॉल रोल किया इन लोग ने जो स्लाइड मार। मैं और करण दोनों स्लाइड मारे एकदम सिंक अबे में। मतलब कहाँ जा रहे इन लोग। क्या बात है। तो काय की बेंचो छुट्टी बेंचो इतना सीरियस कौन लेता है बेंचो लाइफ को। लॉकर अरे झूठ झूठे क्या आदमी बहन बात जो। है। तू इंजीनियरिंग तक तूने इतने सीरियस होके करी है, कह रहा तू आज तक कुछ सीरियसली नहीं लिया। बोलता है इंजीनियर 7 GPA स्वेट भाई, 7 GPA कोई बुरा थोड़ी है। अबे तो तू इंजीनियर भी थोड़ी है, फार्मा फार्मा के अंदर घुस रहा है तू। बहनचोद बहनचोद इंजीनियरिंग करके अबे यार वो बहनचोद ये क्या हो रहा है। अबे एकदम ये वन रॉय फाड़ तुम दिया लोग को उसने। बोला नहीं क्या वो उधर खेल रहा है सुरमो। नहीं धोखा, पर तुम लोग ने साइन भी तो नहीं किया उसको अभी तक। डोएन वो चलाएंगे। हाँ हाँ तो उन लोग ने साइन थोड़ी किया रॉय को, तो क्या दिक्कत है। रॉय वो मेरे को देखा वो बोला बोलना मत यार बोलना मत। और तो खेलने तो हमारे अगेंस्ट खेल तो रहा था, तो उसे बोलना मत से क्या होगा। हाँ मैं चूतिया बोला बना दिया उसको भाई उनके इसे, अगेंस्ट खेलने वाले। इस लौंडे को चूतिया बना दिया इसने। और इसने इसको ऐसी रॉय सेंट्रली इसको क्यों खेल ऐसी रहा था, वो उसको डीएम खिलाए गेम। उसको खेलना नहीं आता भाई बिल्कुल। अबे वो पूरी टीम को नहीं आता। कल दूसरे फ्रेंडली खेलेंगे मैं दूसरा क्लब में फिर देखते हैं। ओ सेकेंडरी हैंड दो हाथ से। अबे पर इन लोग नहीं आएंगे अभी, ये फोर्ट खेलते हैं आज। सुरवे भी है, मैं फूक के आता हूँ। हाँ तू कर ले मिशन, मैं फूक के आता हूँ। क्या बात है भाई क्या बात है।
बहुत ही ज्यादा बेसिक स्टोरी लाइन लग रही है लेकिन अभी तक। वो तो नॉर्मल एवेंजर वो तो सीरीज यूबीसॉफ्ट लेकिन लीजेंस में नहीं था, लीजेंस में नहीं है, इतने ग्लिचेस वगैरह कुछ नहीं मिले। और लीजन तो सबसे ज्यादा वो था, प्रोन था भाई कि ग्लिच विच होंगे, क्योंकि वैंचो सब कुछ ही है उसमें, कोई भी कैरेक्टर बन के खेल सकते हो। क्यों नहीं लूंगा भाई, लूंगा मैं। अरे वही मैं सोच, गफार वाले का नंबर निकाल। अगर तेरे पास है उसका नंबर है अगर तेरे पास है उसका नंबर तेरे पास था तो सही, कोई किसी भी का भी हो आइडिया हो जाएगा ना यहाँ पे है नहीं है। बाकी पाली का मैं पता कर लूंगा। तो कम से कम ये उसका वीडियो वीडियो बना पाएगा वैंचो, बहुत कंटेंट आएगा उधर। हाँ, मैं खरीदने जा रहा हूँ टाइप चल जाएगा। हाँ हाँ मजाक हाँ सेट हाँ के मैं फोन पे कर ले भाई, व्लॉगिंग तो फोन पे होती है। वो कैसा भी पीछे लोडू से था भागता हुआ भाई पीछे ये से भागता हुआ आ रहा है। ओ L3 R3 साथ में दो तो फोटो मोड हो जाता है। छत जाना पड़ेगा। वो चला गया पेटर्निटी लीव पे। कौन कौन विराट कोहली अच्छा वो तो आईपीएल भी नहीं, तो आईपीएल खेलना ही नहीं चाहिए उसको, वैन चल आरसीबी के लिए खेलता है वो। वे पीछे वो लटक रही थी वो उस पे जाता ना नहीं जा रही थी भाई, जगह नहीं थी उधर। ओ ले ली मैंने, एरो मिली है बहुत सारी। दिल्ली भाई, दिल्ली जीतेगी बहन चोद। हाँ इन माँ के लड़ों को नहीं जीतने देना बहन चोद। कहा कोई टीम ने डोमिनेट किया है भाई, तो मुंबई तो वैसे भी जीतती है हर बारी, उन्हीं को जिताएंगे दिल्ली को क्यों जिताएंगे बहन चोद। दिल्ली से किसे प्यार है। हाँ वही कह रहा हूँ मैं तो, दिल्ली को नहीं। दिल्ली जीतेगी भाई, अबे नीचे ऐसे है क्लोज हो जाएगा एकदम। अरे मैं तीर मारने आ रहा था वैंचोद, ये वो कर दिया। सुपर ओवर जाएगा, ऋषभ पंत मारेगा 35 रन क्रॉस होगा और वो पेज फिर वो हो जाएगा कि सॉरी गाइस नहीं सॉरी गाइस होगा एक एक बंदे को बताने आई है एक बंदा बाहर बच गया, एक ये है इसके क्रू में, दो ही लोग हैं मैं जो तीन वही पत्ती। बट
अरे लोड़े मार देता है इसको शुरू में। एर्गी का मतलब होता है कावड़। चलो तू किसको मार रहा है लोड़े? मैं इधर हूँ। वो किसी और को मार रहा है भाई वहां पे। भाई किसे मार रहा है भाई? वो किसी और को मार रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ उसका। अरे मैं डॉज कर तो रहा हूँ। ओ ओ बहन चोरी, एक कुलाड़ी में वो इतना दूर गया। ओ भाई हाथ काट दिया उसका। जनवरी में होगा तो तब तक वो प्रेसिडेंट वही है, तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह चौथ के जाएगा। नहीं मजा आ रहा है इंटर गेम में। If I give my life, will you spare my clan? Let it know. Pick up your axe. Kill them all. Vikings और उनकी छोटी कुलाड़ियाँ। हाँ नए वेपन है। हाँ वो लूट गंदा वहनचोद, हर दो मिनट में नया लूट मिलता। ये कूल हो गया गेम अचानक से। मैं तो दो शील्ड लेके खेलूंगा भाई, दो शील्ड भाई, बिग पीपी। अबे ट्री, ओ भाई साहब ये वो वाला ट्री है, इसके ऊपर ओडिन ने खुद हाँ। को ओडिन ने अपने आप को लटक के जान दी थी। Are you bewitched? Unbind us. What? Oh, yes, of course. You are a true friend. Even if your wits were somewhat rattled. भाई दिखने में तो सुंदर है यार। अच्छा, वाले कौन आ गया? वो चला गया भाई शिप पे। हाँ ये प्रो पे भाई, सोच 60 FPS पे भाई, ये मजा आ जाएगा। क्या खेल रहे हो? देख रहे हम तो, देख रहे हम तो। अरे वो एस गैलेक्सी में यार, वो एएसपी सेंटर बैक है, वो चाहिए यार मेरे बंदा। सब बेकार है तो लेकर दे। अब तो रॉय भी उधर चला गया भाई। अब तो रॉय तो ऐसी कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, वो सागर से कह रहा था बता मत टेस। मैं स्पैम किए जा रहा हूँ बेंचो, रुको आराम से खेलते हैं। तो सिगरेट पहले खत्म हो जाए मेरी। ऐसे भी इस फॉर्मेशन में रॉय की जगह भी नहीं है कहीं खेलने की। आई ला हो गए वाड़ी गेम में। ओ ओ ओ दोनों हाथ काट दिए। अरे इसके हाथ पड़े हुए हैं भाई। बढ़िया उसे, उसे निकाल दूंगा यार सौविक को। दे देख दोनों हाथ, एक हाथ तो रॉय को सौविक। नहीं नहीं रुक जा, पहले आ तो जाने दे उसको, उसको अपनी दलील तो डाल लेते दे सामने। एक मौका तो हर इंसान को मिलना चाहिए जिंदगी में भाई।
अबे क्या हुआ अबे अबे तूने साइन किया कि नहीं उसको फिर रुक जाना यार तूने साइन किया कि नहीं उसको किया तो था मतलब वो 100% बोला क्या तुम लोग के लिए नहीं अभी हुआ नहीं है वो बात नहीं नहीं देख एंड में तो हमारे ही बंदे खेलने हैं भाई खेलने तो हमारे ही बंदे हैं नहीं नहीं बात है ना डेप्थ होनी चाहिए हमेशा हाँ भाई मेरे बिना नहीं खेल पाएंगे अबे कितने लोग हैं बहन चुप क्यों किन से लड़े जा रहा है इतनी देर से अरे ये जिन्होंने कब्जा कर रखा है हम पे उनको जिसने बाप को मारा ना इसके तू अंदर तो घुस गया था नवंबर भाई सब मर तो गए थे बाहर या फिर वापस बाहर आ गए अरे क्योंकि मैं लूटने उठने गया ना वेल्थ वेल्थ चाहिए थी मेरे को वहाँ पे क्या हाँ क्या बोल रहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं यार आदर प्यार कोई दिक्कत नहीं लो इनका सांप स्क्वाड आ गया अबे क्या लड़ाई हो रही है तेरा लौंडा तेरे को क्यों मार रहा कुलाड़ी पता नहीं सांप स्क्वाड ने नाम कमाया है कौन बे यार यार अब नॉकआउट कैसे खेलेगा तुम उसके उसके साथ खेलते हो क्या अभी भी एक काम करते हैं अबे वो ज्यादा खेलता है कौन खेलता है भाई नहीं वो एआर जिसकी जिसकी बात कर रहे हैं शुरू में केओस ना हां तू खेलता है ना केओस नहीं एआर एआर अबे एआर कौन है अबे ये कारण नहीं था तू ही जानता है उसको अरे यार तुम दूसरी पार्टी में चले जाओ ना यार लो फॉर्टनाइट वॉर्टनाइट खेल लो आराम से चल फिर निकल रहा है क्या मैं इनसे बात करनी है वन यूनिट दस तो बाकी तो एक काम कर गेम चैट जाओ ना गेम चैट चले जाओ तुम वैसे ही फॉर्टनाइट खेल रहे हो अबे पर कितना तेज है ये अबे चूतिए तू स्टेडी स्टॉर्म क्या लगा रहा है शिप इतनी तेज कैसे चल रहा है ये क्या है ये अबे यार रेड टाइम गिटार बजाना सिखाना मैं शाहरुख थोड़ी हूँ यार अब तेरा माइक फटेला है अच्छा वो बात अलग तू माइक अच्छा डालेगा तो अच्छा लगेगा जो जो सेल्समैन ने जो फोटो लगा रखी है उसकी इसके हाथ काटने का समय ओ ओ भाई इसके आंखों के अंदर मेरी कौन सी फोटो भाई तो जो तूने व्हाट्सएप के अंदर फोटो लगा रखी है उसके अंदर उसके साथ में तू अगर गले के अंदर तू बढ़िया वाला शाहरुख खान वाला स्कार्फ डाल ले और हाथ वाथ थोड़े फैला ले तो फीलिंग तो आ जाएगी लौंडियों को आ जाएगी गीली हो जाएंगी बेसिकली हाँ हाथ में मेडलिन वगैरह तो तू उठा ही लेगा अबे तो ये इम्पोर्टेंट बात है क्या करना है चलो वे गेम चैट तू गेम चैट जाना है अपने ब्लॉन्ड कैसा किधर से निकलता
अबे इन लोग ये सब क्या स्किल ले रहे हैं? ले रहा भाई वो गेम चैट गए, तू भी जाना चल। अरे लोराइडर में है यहाँ पे, लोराइडर में क्या हाल है यार? सब बढ़िया ब्रो। कैसा भाभी का बर्थडे कैसा गया यार? मैकडी वैकडी जाना हो रहा है? तू भाभी के बर्थडे पे मैकडोनल्ड्स ले जा रहा है? हाँ अरे नहीं ब्रो, मैं लोराइडर भाई। लेकिन तूने सामान बढ़िया ऑर्डर किया था, रिस्पेक्ट आ गई तेरे लिए, तूने सामान बढ़िया ऑर्डर। एकदम इज्जत कम हो गई थी जैसे ही बोला कि मैडम के बर्थडे पे ले गया मैकडोनल्ड्स। अबे यार वो मारवाड़ी है ना, इसीलिए थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, वो अंडरस्टैंडेबल। अबे ये कौन भाग क्यों रहा था वो? तो वो जा रहा है ना, सब जा रहे हैं वापस भाई, अब मेरे को भी जाना है ना इधर। ये जो ग्रीन सी लाइटें जल रही है, मतलब ये बंदे हैं तेरे? हाँ यार बहन चुन। अबे टेस्ट में बात करना जो करना है, मैं चुप रहूंगा यार। अब वो देखते दूसरे। अबे सागर को म्यूट कर दे। ए क्या म्यूट नहीं होता इसमें? होता है भाई, पहले फिर भी सुना देगा। नहीं नहीं वैसा नहीं है, उसको से मेरा आवाज नहीं आएगा, उसका आवाज मेरे को आएगा। अबे वन मिनट मुझे म्यूट कर और फिर चेक करते हैं। हाँ ठीक है, कुछ बोलूंगा बताना, बोल रहा हूँ आवाज आ रही है। ठीक है मैं तू बताइयो कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। नहीं आ रही दोनों को एक दूसरे की आवाज, मुझे दोनों की आ रही है। टेल्सपिन तेरे को आ रही है क्या मेरी? आ रही है। हेलो टेल्सपिन, मुझे म्यूट किया है। हाँ देख मैं क्या बोला, देख चूतिए, मैं क्या बोला? टेल्सपिन को आ रही है मेरी आवाज? सुन यूनिट, उसको मेरी आवाज आ रही है पर देखो इसका आवाज नहीं आ रही है क्या? हां तो आई टोल्ड यू, आ देख नया फीचर है। तो कोई नहीं, नई पार्टी बना लेते हैं यार, इतनी भी क्या दिक्कत है? सागर को सागर मानना है नहीं तो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे हम लोग सिमिलर ही है। इट इज व्हाट इट इज ब्रो। अबे यार एक और पार्टी, अबे यार कोई बात नहीं यार, लाइफ में सब कुछ चलता रहता है। अबे मारवाड़ी तेरा हुआ कि नहीं फोड़ रहे? 23% हुआ। अबे इस थ्रोबैक पे क्या मैं लिया है चीज़? अबे सुन यूनिटी, इन लोग ओजी स्किन लाए वापस और पेड़ किया अभी। हाँ मैंने सुना, ये चीज सुनी थी मैंने, हरामखोरी करी इन्होंने। इन्होंने पता क्या हुआ, ये एप्पल के साथ वो केस फेस में बकचोदी हुई ना इनकी, तो उस टाइम पे इन्होंने पैसा नहीं कमाया, तो इस चक्कर में साले वापस ले आए सारी स्किन्स और पैसा कमा लिया। बहुत हरामखोर है वेंचर, ज्यादा पैसे दे दिए तूने ही दिया है वैसे। कपड़े मिल गए, मैं तो बहुत पहले दिया था, अब तो नहीं करते। कपड़े मिल गए भाई, अबे ये 50,000 कुछ दिया यार सुप्रियो, तू गलत चीज। अबे यार मैं बोलूंगा नहीं, स्ट्रीम चल रही है। नहीं समझ गया था मैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जाड़ा है देख बहन चोद, आस पास बर्फ है, ठंड लग जाएगी। ठंड लग जाएगी, मेरा बोलना अलाउड नहीं है कहीं पे भी। हाँ वरना बाद में इसका जैसे, हाँ जैसे अर्णव का 2 साल पुराना केस खुल गया, वैसे पता चला वन यूनिट का किसी ने निकाला क्लिप। अबे यार नहीं यार, इतना कोई नो वन यूज़ पा भाई लोग मेरी। मैं समझ गया क्या करना, मैं करके देखता हूँ होता है कि नहीं, रुक जा मैं करके देख रहा हूँ। अभी ऑलरेडी लोग मेरी पुरानी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं। नहीं नहीं यार नहीं, ओ हो रहा है रने हो रहा है। अबे ये ओ भाई नाइस। अरे मैं को गेम चल, मैं अब भी जाता हूँ, मैं तुमको बात करूँगा अभी जाता। हो गया गेम चालू, हो गया यही देखना था। चलो बढ़िया है नाइस।
वो चला गया गेम चैट, चला गया दिख रहा है मेरे को, चला गया। बढ़िया हिसाब से बढ़िया है यार, लेकिन बस गेम के अंदर कुछ है नहीं यार, इसके अंदर मेरे को लगा नहीं अभी तक कुछ। अभी शुरू नहीं हुआ है ना गेम, अभी साले अभी तक ओपनिंग क्रेडिट नहीं आया है गेम का। प्रोलॉग प्रोलॉग चल रहा है ना अभी, समझ गया कुछ ना, वो उसको मार, अभी तो पहली बार अपने गांव आई है ये, गांव देखते हैं भाई इसका। उसको मारने आई होगी ना, हाँ जो उसने उसके बाप को मारा है। हाँ उसको उसको मार रहे ब्रूटल कुछ नाम है, मैं क्रूल क्रूल, हाँ क्रूल तो क्रूल। बता टेल्सपिन क्या हाल है? ओ वाइज का नाम रणवी है, इसके लेजेंड नाम रणवी है भाई। दे यार इसका नाम दाग है, लगा चुनरी में दाग। After so many years, you should take it to Gunnar. He will give it back its edge. Good idea. After I see our king. That I do not advise. Tailsman, Supriyo कह रहा है कि death बढ़िया खेलेगा left back. Left wing back. इस वाले में. Left wing back तो खेल सकता है वो. ज़्यादा उसके ऊपर defense की ज़्यादा वो इन्हें डालें तो. हाँ, उसको बोल आगे जा और बेंचो निकाल cross. देख डिफेंस का तो यार, लेकिन यार इस देख हम टट्टी टीमों के अगेंस्ट होल्ड कर लेंगे ठीक है, लेकिन जो भी ढंग की टीम होगी ना, अब देख जैसे ये वाला मैच था एस गैलेक्सी के अगेंस्ट, टट्टी टीम होगी ना उनके अगेंस्ट हमें 4-3-3 खेलना पड़ेगा, लेकिन जो गोल मारने के लिए उनके अगेंस्ट हम ये वाला खेलेंगे, क्योंकि अगर हम इस वाले में बेकार टीम्स के अगेंस्ट आ जाए तो क्या पता हम गोल ही ना मार पाए। वो तो हाफ टाइम में हम चेंज कर लेंगे यार, वो कोई दिक्कत नहीं है। और देख 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 मैंने ये चीज देखी थी हमने वहां पे अपने आईपीसीएल टूर्नामेंट में, कुछ टीम तो इतनी हग्गी आएंगे ना तुमके खिलाफ तो तुम नॉर्मल थ्रू बॉल पे निकालते रहोगे ना और गोल पड़ते रहेंगे। सुन 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 तू तू जो फॉर्मेशंस वाला सीन है ना उसके अंदर टैक्टिक्स वाला सिस्टम होता है ठीक है, तो टैक्टिक्स वाले सिस्टम के अंदर तू अलग अलग फॉर्मेशन सेट कर सकता है ठीक है, कि जब तू अटैकिंग, हाँ तो जब तू अटैकिंग कर रहा है तो तेरे जो दो फुल बैक है वो ऊपर खेलेंगे ठीक है, तो हम फॉर्मेशन ही इस तरीके से लगा लेंगे, हम खेलेंगे यही फॉर्मेशन ठीक है, जो दूसरी जो कोई टट्टी टीम होगी उसके अंदर हम स्टार्टिंग में ही अटैकिंग कर देंगे, और अटैकिंग में क्या होगा जो अपने फुल बैक होंगे वो एक तरीके से वो ऊपर खेलेंगे फिर विंगर्स की तरह स्टार्टिंग से ही, और पीछे हम सिर्फ तीन सेंटर बैक के साथ खेलेंगे, समझ रहा है? बताइए ये फायदा अपने को पता है, ये करने का क्या होगा ना, क्रॉसिंग वॉसिंग सिखानी पड़ेगी और जो भी हाँ, बस, नहीं नहीं पता है, ये चीज करने का फायदा पता है क्या है, कि लोगों को ये वाला सिस्टम रटा रहेगा चाहे डिफेंस में खेलें चाहे अटैक में खेलें। अगर तू सिस्टम बीच में चेंज करेगा ना कि एक मैच में तू 4-3-3 खेल रहा है फिर एक मैच में ये खेल रहा है तो उसमें होगी गड़बड़, लोग होंगे कंफ्यूज। हमने किया था आईपीसीएल में एंड वी बाद में हम 4-3-3 पहले हमने स्टार्ट किया था 4-2-3-1 से, तो दो डीएम से साथ में फिर हम तो पता क्या होता था, हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हम ले लेते थे उनकी गन ठीक है, काउंटर पे खेल के, प्योरली काउंटर पे खेल के और डिफेंसिव मास्टर क्लास कर करके। दिक्कत तब आती है जब हैंचो ये जो छोटी टीमें होती है ना ये माके लोड़े ड्रॉप बैक करके तुम्हें काउंटर पे खेल लेते हैं और तुम्हें ही दे देंगे बॉल कि तुम खेलो, खुद बॉल रखते ही नहीं है, नहीं कर नहीं नहीं कर पाते हैं, नहीं नहीं होता। अबे देख 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 गेम के अंदर ना जो मतलब तू अगर कॉम्पी खेल रहा है ना, कॉम्पी के अंदर तू जीतेगा एक टट्टी टीम के अगेंस्ट पता है कैसे जीतेगा, अगर तू गेम के अंदर इम्प्रूव कर रहा है तभी, इम्प्रोवाइज कर रहा है तभी। तू अगर अपनी सेम स्ट्रेटेजी के साथ खेलेगा ना तो जरूरी नहीं है कि तू हर बार ही जीते, तेरे को गेम के अंदर इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला गेम था, गेम को रीड करना वही तो होता है कि हाँ, को कैसे, तो, कैसे कैसे खेल रहे हैं उनके, नहीं नहीं तू रीड तो कर लेगा। देख हमने रीड कर लिया था कि क्या हो रहा है, हमने उसको काउंटर नहीं किया, तो अपने को ना वो चीज करनी है
वो चीज बस दिमाग में रख लो कि अपने को समझना है हाफ टाइम के अंदर दूसरी टीम को देखो कि क्या हो रहा है, और हाफ टाइम में फिर डिस्कस कर लो कि भाई ये हो रहा है तो ये चीज ट्राई करते हैं उसका। अगर हम सिर्फ रीड करेंगे ना कि भाई ये हो रहा है, सामने वाली टीम ये कर रही है, वो तो बहन तो कर ही रहे हैं। हाफ टाइम में अपने को वो डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई अब वो ये कर रहे हैं तो अपने को ये करना चाहिए। अब जैसे ड्वेन खेलेगा, ड्वेन को ड्रिबल करने की बहुत आदत है और वो कर भी लेता है ज्यादातर केसेस में ड्रिबल विबल, लेकिन इस सिस्टम में तुम फिर ड्रिबल नहीं कर सकते हो। तुम फिर तो अगर तुम बीच में बॉल रख के खड़े रहोगे देख, ड्वेन की इसमें बेस्ट तुम्हें पोजीशन पता पास है क्या है, है? ड्वेन की बेस्ट पोजीशन है सेंटर मिड या फिर कैम, ये दो पोजीशन है कि वहां पे अगर वो बॉल लूज कैम भी नहीं करे ना। खेलेगा वो कैम खेलेगा तो बॉल खुद रख लेगा, देगा ही नहीं आगे, वो दिक्कत है। मैं वो तो खेलता हूं ना यार आगे, मैं बता रहा नहीं, हूं नहीं वो मैं। बॉल बहुत सही निकालता भी है भाई, उसका नहीं वो विजन तो निकाल बहुत ही लेगा, वो तगड़ा है, निकाल लेगा, उसका विजन उसका सबसे अच्छा है हमारी वो टीम में प्रेजेंट स्ट्राइकर कर नहीं रहा खेल हूं, आई एम सकता, नॉट किडिंग। वो हाँ स्ट्राइकर हाँ नहीं वो खेल तो है, सकता, वो वो स्ट्राइकर नहीं कुछ खेल कुछ सकता, ऐसी वो मेरे बॉल्स दिग्गज। निकालता है ना भाई, ऐसे विजन के साथ निकालता है ना, तो लगता है कि वो वो तो है विजन है, मतलब वो वो भरोसा लेकिन वो है, परफेक्ट बॉल लेकिन निकालना चाहता है हर बार हाँ वो नहीं होगी। लेकिन एक चीज बताऊं तुम्हें, हम शॉन और ड्वेन दोनों को नहीं खिला सकते एलसीएम आरसीएम साथ में, या तो शॉन होगा या फिर ड्वेन होगा, क्योंकि उन दोनों का मेंटेलिटी सेम टाइप की है कि उनको आगे जाके वो करना है। डिफेंसिव माइंडेड कोई भी नहीं है दोनों में से, एक बंदा डिफेंसिव माइंडेड होना ही चाहिए दो सीएम में से, थोड़ा मतलब जो बॉक्स टू बॉक्स खेले और जो एक भी हाँ थोड़ा। वो चग चगिंग कंपटीशन, दारू कंपटीशन हो रहा है। तो तुम्हें अगर तीन बंदे मिड में रखने हैं ना, तो लिवरपूल की मिडफील्ड की तरह सोच के चलो, ठीक है, हाँ कि एक बंदा पीछे गेम ब्रेक कर रहा है, ठीक है, राइट राइट जो लिवरपूल का हमेशा जो आरसीएम होता है ना वो गेम बनाता है, और जो एलसीएम होता है वो खेलता है वाइनेल्डम, ठीक है। वाइनेल्डम का काम क्या होता है, सिर्फ छोटे पास डाल के बॉल को बस रोटेट करना, सिर्फ वो बॉल पोजेशन के लिए होता है, ठीक है। हाँ तो फिर जब वो लिवरपूल अटैक पे जाती है, मतलब जब डिफेंसिव होना होता है, तो क्या होता है कि वाइनेल्डम हो जाता है पीछे, लिवरपूल स्लॉट हो जाती है दो सीडीएम की तरह, और जो आरसीएम बंदा होता है वो चला जाता है कैम की तरह, समझ रहा है। तो वो लिवरपूल की मिडफील्ड ऐसे रोटेट कर जाती है, और उनके जो फुल बैक्स होते हैं वो हमेशा से हाई प्रेस करते हैं, हाँ तो वो हाई प्रेस करते हैं, वो जो तो डब्लू जब बनाते हैं ना वो क्या कहते भाई हैं, तो ठीक है वो उसको तो प्रेसिंग में उसमें काफी चाहिए होते हैं, पर वो इस देख वाले में जैसे अगर उस तो थ्री एट द बैक खेल रहे हो तो मैं बहुत प्रेस करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू प्लेइंग अगेंस्ट अ गुड टीम, अगर उनके पास ज्यादा टाइम बॉल भी है तुम, ये है कि तुम्हारे पास मिडफील्ड का कवर बहुत अच्छा होता है इस फॉर्मेशन में, कि तुम ऑलमोस्ट पांच लोगों के साथ खेल रहे होते हो मिडफील्ड, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए बहुत आराम से, अगर ढंग से, अगर पोजिशनल डिसिप्लिन तुम्हें पता है ना राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक को, और क्या कहते हैं किस टाइम पे ऊपर जाना है, किस टाइम पे पीछे रहना है, और किस बंदे को मतलब थ्रेट को देख के उसके हिसाब से उसे कवर करना है, किसी को आपस में कम्युनिकेट करना है, अपने सीएम को बताना है कि मुझे कवर करो मैं आगे जा रहा हूँ, तो ये सब चीजें अगर तुम खेलते रहोगे ना तो बहुत सही फॉर्मेशन है इसके लिए, और खासकर क्योंकि अब एड्रेस चलते हैं एक्चुअली, और अगर तुम क्रॉसेस वॉसेस निकाल दो तुम्हारे पास दो बंदे हैं जो कि क्रॉस, हमें और अर्ली क्रॉसेस चाहिए। हाँ ये तो बढ़िया करता है, ये हेडर हेडर बहुत सही मारता है सुल्पियो, और वो भी सही मारता है, आई नो कि करण ने भी कई हेडर्स हेडर्स मारे हैं वो भी सही है। अब प्रॉब्लम जब आती है कि ये दोनों फिर प्ले मेकर की तरह काम कर, जैसे उस वाले मैच में जो हम हारे हैं एक मैच 2-1, उसमें क्या हो रहा था कि ये दोनों फिर प्ले मेकर की तरह काम कर रहे थे, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, वो तुम्हें दिख रहा है कि अगर वो क्राउड कर रहे हैं मिडफील्ड में, और अगर हमारे जो अटैकर दोनों अगर बीच में आएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा उसका, फिर तुम बिल्कुल ही स्विच कर दो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, स्विच कर दो कि तुम वाइड जाके क्रॉसेस फेंको, अभी दो दो स्ट्राइकर है तुम क्रॉस के लिए लगाओ उसके अंदर, पता है अपने को क्या करना था उसके नहीं, अपने को ये जो जीतू जैसे मुझे बॉल निकाल रहा था ना, वैसे ही लेफ्ट और राइट दोनों पे निकालना पड़ेगा हमें, जिन मैचेस में हम फंस रहे हैं ना वैसे वैसे हाँ, निकाल वो के खोल दो गेम, स्प्रेड तो करना ही पड़ेगा, वही गेम नहीं, खोलना पड़ेगा। उस वाले मैच में करण के पता साथ क्या मेरा करना एक ही चाहिए दिक्कत हो रही है कि वो वैसे रन नहीं बनाता कभी कभी, हाँ जैसे मैं उसकी करण वैसे रन अच्छी नहीं बना सकता, हाँ वो रन नहीं बनाता, करण करण नहीं की बना एक रहा दिक्कत है, वो अंदर आता है, वो बहुत ज्यादा वो अंदर आता है, अंदर क्यों तो आता है वो इतना, हाँ वो बार बार उस, अंदर आता है उसको, उस, मुझे समझ नहीं आता तो क्या आने बोल रहा दे है आने उसे। दे उसको अंदर आने दे उसके गेम में ना, उसको तू ये उसकी मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकता कि तू अंदर आ रहा है, उसको अबे तू नहीं पता है उसे चेंज उसे करो भाई, नहीं सिस्टम में सुन तो करना सुन तो पड़ेगा सुन उसे। बात तो सुन, उसको चेंज ये करवा दे कि वो अंदर आ रहा है ना, तो उसको अंदर से डायगोनल रन लगवा दे, वो सिखवा दे उसे, उसे बोल कि इस चीज की प्रैक्टिस कर। उसी की चीज तो करता है वो कोशिश, पर वही है ना कभी कभी वो मुश्किल होता है भाई, अगर तुम क्राउड कर देते हो ना मिडफील्ड हो तुम, तब भी अंदर काटने की कोशिश कर रहे हो इंस्टेड ऑफ गोइंग वाइड,
वो अभी पता है क्या करता है, वो आगे आ जाता है डिफेंडर के पास लेता है हाँ। और उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाता, उसके बाद मुड़ के वो काटने की ट्राई करता है, वो गलत हो जाता है। उसको वो सिर्फ डायगोनल रन मार, वो अंदर आ गया ठीक है। आईपीएल में बहुत मुश्किल होता है, क्या कहते हैं भाई, काटना बहुत मुश्किल होता है, कुछ ही प्लेयर्स काट पाते हैं, वो भी जाता है सबसे जो काटने की जरूरत ही नहीं है यार, काटने की जरूरत होती ही नहीं है, सिंपल खेलना होता है भाई। विंगर्स को मैं मानता हूँ कि अगर तुम विंगर्स खेल रहे हो तो तुम्हें मतलब आनी चाहिए काटना, का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ वो तो है यार, लेकिन अगर तुम स्ट्राइकर के से खेल रहे हो तो जरूरत नहीं है काटने वाटने की, तुम्हें मतलब फिनिशिंग टर्न्स होने चाहिए भाई। अगर हम फिनिशिंग पे अपनी काम कर लेना रन मतलब चांसेस तो बन रहे हैं, अगर हम फिनिशिंग अपने चांसेस पूरे लेने लगे ना तो फिर तो डिफेंस में तो हम कर लेंगे फॉर्मेशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिनिशिंग अपनी थोड़ी सी है गड़बड़ है, फिनिशिंग हाँ फिनिशिंग में काम करना और हेडर हेडर की करते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो, करो क्रॉसिंग क्रॉसिंग करते रहो, देखते हैं भाई। जैसे वो वाला गेम था ना जिसके अंदर हम 2-1 हारे, उसके अंदर हम दो चीज कर सकते थे, या तो हम वाइड जाएं, दो जो अपने दो फुल बैक्स थे उनको तो ऊपर ले जा ठीक है, और आरसीएम और एलसीएम कवर करें उनकी पोजीशंस को और कंटिन्यूसली हम वही फॉर्मेशन खेलें, या तो ये कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज हम उसके अंदर ये कर सकते हैं कि आरसीएम जो अपना ड्वेन खेल रहा था, ड्वेन को भेजो सेंटर में ऊपर ठीक है, और सुप्रियो और करण को बोलो कि बाहर को डायगोनल रन्स मारे, जो कि सुप्रियो मार रहा था वो नहीं मार रहा था, करण नहीं मार रहा था, तो ये दो चीज कर सकते हैं। मैं और तू फिर पीछे हो जाए ठीक है। अब जैसे जिस विंग पे है ना, जिस विंग पे बंदा है वो बाहर की तरफ मारे, जो दूसरी विंग वाला बंदा है वो अंदर की तरफ क्रॉस के। नहीं नहीं एक मिनट, एक मेरी एक बात सुनोगे, आज हम जिस तरह से खेल रहे थे ना, डोंट एक्सपेक्ट अस टू प्ले लाइक दिस जब ये टेल स्पिन जब सेंटर बैक होगा ठीक है। मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि टेलस्पिन बॉल निकाल देता है ऐसे ठीक है, टेलस्पिन या फिर ये निकाल देते हैं, जैसे टेलस्पिन ने कितनी बार बॉल निकाली है आगे, ये कोई और नहीं निकालेगा। अगर तू सेंटर मिड किसको खिलाएगा, तू ऐसे सोच ठीक है, ड्वेन को खिलाएगा है ना, ड्वेन बॉल थोड़ा कटा के स्पेस बनाने की कोशिश करेगा। द प्रॉब्लम इज ना कि मैं जो रन बनाता हूँ ना, इट इज फर्स्ट टच वाला रन, कि अगर तू पहले निकालेगा तो बहनचोद स्पेस ही स्पेस में रहूंगा मैं, लेकिन अगर तू वेट करके सोचेगा कि थोड़ा मतलब थोड़ा दो बार करेगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं ऑफ हो जाता हूं। तू क्या, मैं भी वेस्ट हूं। अगर मेरा और टेल्सबिन का सीन चल रहा था वो इसलिए चल रहा था क्योंकि हम आपस में वन टच खेल रहे थे। हाँ, एक दूसरे को बॉल कोई कटाता नहीं है, हम लोग अपनी पासिंग पे ही फोकस करते हैं, और यही है कि तो, मुझे पता है कि ये मैं पीछे दे दूंगा तो ये सही से कर लेगा, फिर मैं आगे चला जाऊंगा, तो हम स्पेस में देख रहे थे, स्पेस के ऊपर बस वही सीन है। तो वहां पे अब जब भी शॉन के साथ थोड़ा सा हम सिंक करने की कोशिश कर रहे थे, शॉन के साथ दिक्कत हो रही थी कि शॉन को पता नहीं कभी पीछे आ रहा था, कभी कभी बिल्कुल जीतू के साथ आगे विंग पे घुस जा रहा था, कभी बिल्कुल आ ही नहीं जाता पीछे, तो वहां पे दिक्कत हो रही थी। तो हमें एक मिडफील्डर और ऐसा मिल जाए जो कि सिंक सिंपल रखे, थोड़ा थोड़ा सिंपल। तीनों मिडफील्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेशन में, और तीनों सिंक होने चाहिए। वही मिड में अगर ड्वेन वो करेगा ना कि वो एक भी बंदे वो काटने जाएगा ना, तो मैं खत्म हूं फिर, मैं गेम से ड्वेन तो खेलेगा ही एलसीएम, देख ड्वेन तो एलसीएम आरसीएम में खेलेगा, एलसीएम खेलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं वो देख पासिंग कर सकता है, उसको पासिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जाता है थ्रू पासेस के लिए बहुत ज्यादा। लॉकेट को हम एक सेंटर बैक खिला सकते हैं एज वन ऑफ द सेंटर बैक, वो खेलेगा, वो तो अपना PS4 बेच रहा है। खेलेगा वो PS4 बेच रहा है अपना, वो PS4 नहीं खेलेगा, बेच रहा है वो, पता नहीं उसका। अब उससे बोलो कि भाई अभी रुक जाए, उसको 14,000 मिल रहे हैं अभी, वो कह रहा बाद में कोई नहीं देगा, अरे इतने पैसे हैं इसके पास क्या करेगा। बस वही बात है, मैं मूत के आ रहा हूँ अगर, क्योंकि जैसे हमारे पास सनी है, मैं हूँ, अल्लाह का भी पता नहीं है, मैं कंफर्म लोगों का बता रहा हूँ जो पीछे खेल सकते हैं। मैं और यार मुझे अगर स्ट्राइकर खिलाना है तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहनचो बहुत ज्यादा, उतना समय लाने में गांड फटेगी। अबे हो जाएगी भाई, अगर करते रहो हो जाएगी, बहुत टाइम अभी है, 20 दिन है आई गेस, 10-20 दिन, तो अगर हम सही से खेलेंगे ना, चार पांच सेशंस रखे बीच में, तो बन जाएगा, सिंक हो जाएगा। बट ये है कि सबको अपने रूल्स पता होने चाहिए। पिछली बार तो हम यार हम लोग ऐसे ही घुस गए थे, इतना हमारी तो फिक्स भी नहीं थी कोई फॉर्मेशन पिछली बार स्टार्ट करते हुए, बस ऐसे ही 4-2-3-1 खेल रहे थे। मैं सेंटर बैक चला गया लास्ट में,
स्टार्ट हमने इतना कोई प्रैक्टिस करना थोड़ी, जब हम मैं बीच में हम खेल रहे थे उसी टाइम तो सारे फ्रेंडली हमने स्टार्ट किए थे सीरियसली लेना, फिर हमने फॉर्मेशन चेंज की। अब इस बार तो हमारे पास हेड स्टार्ट है एक तरीके से कि हमें पता है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, किन के अगेंस्ट कैसे खेलना है, कुछ टीम्स का ऑलरेडी हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है उनके अगेंस्ट कैसे खेलना है। तो अब ये फैनेटिक वैनेटिक जैसी टीमें तो आएंगी इनके अगेंस्ट, तो हमें निकालने ही पड़ेंगे पॉइंट्स वॉइंट्स, और इससे बुरी भी आएंगी फैनेटिक तो तब भी ठीक है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि इस बार हो जाएगा सही से सब लोग आए अवेलेबल रहे, खासकर डिफेंस में जो यल्ला का डाउट है, ये प्रॉब्लम लग रही है कि सेंटर बैक कौन खेलेगा, फिर बॉट के साथ खेलना पड़ेगा लग रहा है। नहीं फिर रिक्रूट भाई, रिक्रूट करो एएससी को, मैं को मैसेज डाल देता हूँ यार, पता नहीं सब हुआ है। रिक्रूट करना पड़ेगा भाई हमें, हम बिना उसके नहीं खेल सकते, लोग लोग चाहिए। रॉय जो था ना, जो वो था क्या कहते हैं, रॉय कह रहा हूँ, कौन कौन था वो, कुमार है तो कुमार को, कुमार को बोल अलग से, वो फुटी पे ही लगा रहता है और शादीशुदा है वो भी, रेलवे में काम करता है तो खेलेगा हैंसन, तो खेलेगा अगर उसको ऐसे उसको बुलाना पड़ेगा ऐसे कि भाई अच्छा सीन बन सकता है, वो पीछे विंग बैक भी अच्छा बन सकता है। उसको आता है खेलना, मेरे को तो याद भी नहीं है उसका गेम प्ले। उसको फुट आता है, उसको फुट में तो आता है, फुट तो बहुत अलग होता है यार, फुट नहीं उसका गेम सेंस अच्छा है क्योंकि ड्वेन को तो नहीं खिला सकते हम लेफ्ट विंग बैक, एक लेफ्ट विंग बैक का भी एक मसला है। मैं अपूर से बात कर सकता हूँ, जब से बात कर देख एक चीज मैं बता रहा हूँ, ड्वेन बुरा मानेगा। कौन ड्वेन? ड्वेन आज तो ठीक था, आज गड़बड़ नहीं थी। हाँ सीन पता है क्या है, उसने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है टीम के साथ। हाँ वो कहेगा कि बहन चुप मैं, वो तो ठीक है लेफ्ट विंग बैक पे अगर हम उसे देखते हैं ना भी कुछ दिन, मैं नहीं बोल रहा कि उसे बिल्कुल ही वो कर दो, क्या पता वो इम्प्रूव कर जाए, पर मैं वही उसी सेंस में बोल रहा हूँ। लेकिन फिर उसको लेफ्ट विंग मत खेलो, फिर उसको लेफ्ट विंग खेलने ही मत दो, उसको लेफ्ट बैक पे लगाए रखो। अबे ठीक है उसे क्रॉस वॉस डालना भी सीखना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही जाए ना, बट उसे समझ आए कि एक्चुअली करना क्या है, उसको रोल पता होना चाहिए। और वो प्लेयर्स को ट्रैक नहीं करता सही से रनर्स, तो अगर कोई वो गेम सेंस वही बहुत मुश्किल है वो सिखाना ना यार। वो फ्लैबी को नहीं आई, फ्लैबी इतने टाइम पता है अभी पूरा आईपीसीएल खेल लिया, उसको आज तक नहीं पता चला कि पीछे वाले प्लेयर को मार्क करना होता है। तो जैसे बोलते हैं ना ये लोग भाई तीन प्लेयर मेरे पे चढ़ रहे हैं, क्लैबी भी कई बार ये बोलता है तीन प्लेयर चढ़ रहे हैं, तो तुम्हें फिर वो चूज करना होता है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा तुम्हारे लिए थ्रेट है और तुम्हारे जोन में आ रहा है, तो वहां पे लोग मार खा जाते हैं। ये भी मार वहीं पे खाता है ड्वेन, ये ऊपर क्या कहते हैं वो करने चला जाता है। जीतू का तो अलग स्टाइल है भाई, जीतू के बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि जीतू कभी इतना गजब खेलता है ना कि आदर्श आ गया। अबे आदर्श तू अपना बेच रहा है क्या PS4? तो तू तो खेलेगा ही नहीं फिर यार, तेरा तो चांस ही नहीं है आईपीएल में खेलने का। ठीक है ओके। अच्छा ये सेंटर बैक तो चाहिए, अपने 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 पास सेंटर बैक कौन कौन है अभी? अभी देख एक वो मैं और यल्ला ही खेले हैं सेंटर बैक, और हिरेन है। हिरेन का क्या सीन है, खेलेगा? हिरेन आता ही नहीं है, इश्यूज रहते हैं दुबई वालों का, वही यही तो है, भरोसा नहीं है बस। ये तो खडूली वाले तो चलो ठीक है, वो तो हो जाएगा। हेलो आई एम बैक। अभी क्या सीन क्या चल रहा है टेस्ट में, और क्या चल रहा है क्या करना है, क्या करना चाह रहा है आदर्श इतना? मेरे गांड फट गए, एग्जाइटी फुल ऑन, चला देगा मारा, फिर बंदा क्यों सारे उसका बिल्ड को एडिट कर रहा है, ये मार नहीं मार रहा
मारने से नहीं मार रहा क्या भाई मार दिया दो मिनट